हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के विषय में पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक विशेष महत्व और विशेष स्थान है मार्केटिंग के क्षेत्र में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जो कस्टमर्स हैं उनको प्लेस और टाइम यूटिलिटीज प्रोवाइड कराता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मार्केटिंग और कार्य को पूरा करने के लिए और मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होने के लिए प्लेस और टाइम यूटिलिटी की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्लेस और टाइम यूटिलिटी का किसी भी कस्टमर्स के लिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ऑन टाइम सप्लाई जो है पार्ट्स और मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तक और फिनिश प्रोडक्ट की जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूशन को हम शामिल करते हैं। इसका मतलब है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ऑन टाइम सप्लाई ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूट फिनिश प्रोडक्ट एफिशिएंटली टू कंज्यूमर्स। एंड इफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑन टाइम सो बिजनेस इज लाइकली टू फेस मैनी मिसमैचेस सच लाइक आउट ऑफ स्टॉक पार्ट्स, ए वेयर हाउस फुल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विच बट अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स। बट वी हैव वेयर हाउसेज आर फुल ऑफ स्टॉक बट द कस्टमर्स आर अनसेटिस्फाइड। सो वी कैन से द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर एंड टू द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर। सो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेट कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम स्टार्ट होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम जो अरेंज किए गए चैनल्स हैं उन चैनल के माध्यम से हमारी टेंजिबल प्रोडक्ट की फिजिकल मूवमेंट्स को अरेंज करते हैं। इट मीन्स द अरे और यही जो अरेंजमेंट्स हैं जो हम चैनल्स के माध्यम से सेट करते हैं उस अरेंजमेंट को ही हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो इट इज़ रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं को रख रखाव और उसकी जो मूवमेंट्स है, उसकी जो गतिशीलता है, उसको बनाने के लिए हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फाइनल गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजन टू द पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द कस्टमर नीड एट ए प्रॉफिट। यानी जो हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजन है उसको पॉइंट ऑफ ओरिजन से पॉइंट ऑफ यूज तक जो वस्तुओं और सेवाओं को ईजिली फ्लो करने में हेल्प करता है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है और मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। तो ये जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके माध्यम से कोई भी मार्केटर जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी से संबंधित एक प्रोसेस है जो कि चैनल्स के माध्यम से अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुँचती है। उसके साथ साथ जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों सेम नहीं है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स से थोड़ा जो स्कोप जो है, ये कहें कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक का जो स्कोप है वो लार्जर है इन कंपैरिजन टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैनेज्ड बाय मिडलमैन्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने का काम मिडलमैन्स को है। एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द यूजर, यानी प्रोड्यूसर और यूजर के मध्य में जो गैप है उसको एक पुल के रूप में काम करता है जो कि एक तरह से इजी फ्लो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मेंटेन करता है। इसका मतलब फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वस्तुओं और सेवाओं की हैंडलिंग और मूवमेंट्स ऑफ गुड्स की ऑन टाइम डिलीवरी एंड ऑन राइट प्लेस डिलीवरी के से संबंधित है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है किसी भी मार्केटर्स के लिए
किसी भी मार्केटिंग का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होता है। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तभी दी जा सकती है जब कस्टमर को सही समय पर सही वस्तु को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब तक सही समय पर वस्तु उपलब्ध नहीं होंगी उसके लिए कंज्यूमर उस वस्तु का कंज्यूमर के लिए कोई महत्व तो नहीं होता। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केटिंग चैनल एंड द कंज्यूमर्स, यानी मार्केटिंग चैनल्स को और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को वस्तुएं उपलब्ध कराने का जो डिलीवर करने की जो प्रोसेस है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत शामिल होती है, जिसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। लेकिन मार्केटिंग लॉजिस्टिक जो है स्कोप वाइज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, क्योंकि यह न केवल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है बल्कि मार्केटिंग चैनल्स के पार्ट का जो टास्क है उस पार्ट को भी अपने अंदर शामिल करता है। एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेक केयर ऑफ फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जबकि जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक है वो ब्रिंग इन ग्रेट वैल्यू एडिशन इन डिलीवरी चेन बियॉन्ड मेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य नहीं है बल्कि उसका कार्य वैल्यू एडिशन का भी है एंड वैल्यू डिलीवरिंग का भी है। इसी तरह इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक इज मच लार्जर इन स्कोप देन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम बात करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों जो हमने पढ़े फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक उन दोनों से ज़्यादा स्कोप में बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम न केवल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं, न केवल मार्केटिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटी को, बल्कि मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को भी शामिल करते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है स्कोप के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को अपने अंदर शामिल करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली रेफर्स टू होल बिजनेस चेन इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, चैनल फंक्शंस आल्सो इंक्लूडेड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक जो है वो न केवल जो सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो न केवल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक और अन्य जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस हैं उनको भी शामिल करता है। उसके साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग या ये कहें कि मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको भी अपने अंदर शामिल करता है। जनरली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें हम रॉ मटेरियल को सबसे पहले हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से वेयर हाउसिंग और स्टोरेज उसके बाद प्रोडक्शन, देन फिजिकल फ्लो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स स्टोरेज, देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, देन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन द कस्टमर सर्विसेज। सो दीज आर द स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इतने इम्पोर्टेंस रखता है मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो सबसे जो पहला हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि हमने पढ़ा कि मार्केटिंग मिक्स जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग का। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अटेनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी मार्केटर का वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज टुडे द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विथ गेटिंग द प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम एंड एट द लोवेस्ट कॉस्ट टू द कस्टमर्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं जो प्लेस और राइट क्वांटिटी या राइट गुड्स की है
जो डिजायर्ड प्लेस और टाइम पे उन सब एक्टिविटीज के मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। द मार्केटर नो फुली वेल दैट इनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इम्प्रूव्ड अपॉन बाई डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट द पॉइंट एंड द राइट टाइम वैन इट इज रिक्वायर्ड। सो जब हम किसी उपभोक्ता को सही समय पर सही वस्तु सही टाइम पर उपलब्ध कराते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्रदान करती है। इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर बट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरर और मार्केटर टू गेन मोर एंड मोर। परंतु जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इस कार्य के लिए, दोनों ही जो कार्य हैं उसके लिए कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टली भी है परंतु उसके साथ साथ एक पावरफुल टूल है मार्केटिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में यूज कर सकते हैं हम। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अटेनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कॉस्ट कटिंग। सो प्रॉफिट मार्जिन फॉर द मैन्युफैक्चरर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी विल ब्रिंग इकोनॉमी एंड दैट हैज सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मार्जिन। सो इट इज बिकॉज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। यानी कि जो वस्तु है उसकी लागत जो है वो ही वस्तु की के जो प्राइस में शामिल नहीं होती है बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लागत है वो भी शामिल होती है। तो अल्टीमेटली अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लागत कम होगी तो अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लोअर। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है किस माध्यम से, कॉस्ट को कम करके भी हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो दीज आर टू वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से मार्केटिंग के लिए कंपिटेटिव टूल का काम करता है, क्योंकि जितना अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास क्षमता होती है कि हम अपने कस्टमर्स को बनाए रख सकते हैं, उनके स्विच ऑफ करने की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट ऑब्जेक्टिव फॉर इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य के लिए करते हैं। और उसके साथ साथ बिजनेस मार्केटिंग के अंदर एक क्रूशियल पार्ट और क्रूशियल रोल अदा करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी यूजफुलनेस को हम डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जैसे कि इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंसिस्ट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एट राइट टाइम एंड लोकेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड। यानी कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सही प्रोडक्ट उपलब्ध कराना कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक मुख्य पॉइंट्स है जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए कस्टमर सर्विसेज को जहाँ तक पॉसिबल हो सके बढ़ाया जा सकता है, सही समय पर सही वस्तु को उपलब्ध करा के, उसके साथ साथ कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड अगर होगा तो वो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो उसकी खरीदने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी की जो गुडविल है वो भी प्रभावित होगी। इसलिए हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी पॉसिबल थ्रू ए वायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट टेक इन टू अकाउंट द फैक्टर दैट अफेक्ट कस्टमर सर्विस। जो कस्टमर सर्विस को प्रभावित करते हैं जैसे कि टाइम है, डिपेंडेबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, अवेलेबिलिटी है, कन्वीनियंस,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इज क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स जो है वो टाइम और प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, जैसे कि स्टोरेज जो कि वेयर हाउसिंग का एक पार्ट है वो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है बाई मेकिंग इम्बैलेंस करेक्टिंग द इम्बैलेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। यानी जो हमारा जो टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन वर्ष के दौरान किसी विशेष समय पर होता है, जबकि उसका जो कंजप्शन है उस वर्ष के दौरान सभी टाइम पे होता है। तो इसलिए जो वेयर हाउसिंग के माध्यम से, स्टोरेज के माध्यम से हम उस वस्तु को स्टोर कर सकते हैं और वो वस्तु जो है जब भी हमें आवश्यकता होती है उस वस्तु को हम टाइमली उपलब्ध करा सकते हैं कस्टमर्स को, ताकि जो सही समय पर उस वस्तु का उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम यूटिलिटी को प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी वस्तुओं में प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन जहाँ हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि उस वस्तु का उपभोग भी वहीं पर होता हो, बल्कि उपभोग अलग अलग स्थानों पर होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ईजिली हम वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग स्थान से कस्टमर प्लेस तक, कंजप्शन प्लेस तक पहुंचा सकते हैं, वो टाइम यूटिलिटी के साथ साथ प्लेस यूटिलिटी को भी प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन इज रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाई क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। जैसे फर्नीचर लिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन, जैसे कोई जो फर्नीचर है वो मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन में अगर है तो उसकी वैल्यू कम है, जबकि अगर वो रिटेलर के स्टोर पर है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो रिटेलिंग स्टोर है उसकी कम होगी, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन हैं वहाँ पे अपनी लागत ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली जो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारी जो कॉस्ट है उसको कम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करता है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैन कंट्रीब्यूट कंसिडरेबल टू द अटेनिंग ऑफ सिचुएशन ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट मच डिजायर्ड प्राइस स्टेबलाइजेशन। जो डिजायर्ड प्राइस है उसको स्टेब्लिश करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देता है। कस्टमर जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान या एक प्लेस पर, उस वस्तु को स्थापना करने में, उस जो प्राइस को स्थापना करने में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि मान लीजिए कि इफ़ डिमांड फॉर एयर कंडीशन इज स्ट्रोंगर इन ए प्लेस लाइक मुंबई देन इन बेंगलुरु, द प्रोड्यूसर शुड बी एबल टू अचीव ग्रेटर रेवेन्यू बाय शिफ्टिंग वन शिपमेंट फ्रॉम बेंगलुरु टू चेन्नई एंड मुंबई। यानी जो एक स्थान पर जहाँ पे लागत, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, दूसरा स्थान जहाँ पे डिमांड कम होती है, कम डिमांड वाले स्थान से अधिक डिमांड वाले स्थान पर वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन करके हम रेवेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस चैनल डिसीजन। फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैनल डिसीजन को भी स्मूथ करने में सहायता करता है, उसके मैनेजमेंट करने में सहायता करता है। कि जैसे कि हमें जब भी कोई कंपनी डिसाइड करती है डिसेंट्रलाइज करने का अपनी इन्वेंट्री के, तो उस केस में उसको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हाउ मैनी साइट्स टू बी इस्टेब्लिश, कितनी साइट्स को हमें इस्टेब्लिश करना है। उसके साथ साथ वेदर टू यूज होलसेलर और आउन वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज, इन सब चीज़ों के विषय में डिसीजन लेना होता है और चैनल का डिसीजन लेना होता है, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसलिए इस टास्क को ईजिली करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा अपनी भूमिका अदा करता है। देन कंट्रोल शिपिंग कॉस्ट। जो मैनेजर विद शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू इंश्योर दैट देयर कंपनीज इंजॉय द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीवरी टाइम एंड शिपिंग रेट फॉर वट एवर मैथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे डीम टू यूज। इस तरह से वो शिपिंग कॉस्ट को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं।
हेल्थ बिल्डिंग, या फिर ये कहें कि जो कस्टमर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है और प्लेस ऑफ जो कंजप्शन है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ये कहते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन जो है वो किसी एक स्थान पर हो रहा है जबकि दूसरे स्थान पर उसका उपभोग हो रहा है, तो उन दोनों स्थानों पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रोडक्शन स्थान से कंजप्शन स्थान तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक वस्तुओं को इजीली अवेलेबल कराया जा सकता है, और इस तरह से वो जो गैप है, जो हमारा जो प्रोड्यूसर और कंजप्शन पॉइंट के मध्य में है, उस गैप को ख़त्म करने का काम करता है। ये जो कुछ हमारी इम्पोर्टेंस है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी मार्केटिंग के क्षेत्र में। यदि हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर रूप से मैनेज नहीं करते हैं तो मार्केटिंग का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ यदि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कंपिटेटिव पावर जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। थैंक यू।